राधे राधे, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे ही होंगे और स्वस्थ होंगे। तो यहाँ आपने इससे पहले का वीडियो देखा है, बारात पहुँच चुकी है। उसके बाद में बारात के जो चढ़त होती है वो भी हो गई है, वहाँ पे हम लोग नहीं गए थे तो इसलिए वहाँ वीडियो मैंने नहीं बनाया था, क्योंकि बारात ना गाँव में गई हुई थी। जैसे शहर में फार्म हाउस में जाती है तो थोड़ा सा अलग माहौल होता है, जो गाँव में जाती है तो थोड़ा सा अलग होता है, आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पर हो रही है बरौठी, जो स्वागत होता है बारात का। हमारे यहाँ पे बरौठी मतलब ऐसे टीका जो आपने देखा है साली ने किया है वो भी होता, वैसे तो होता नहीं है लेकिन ये कर दिया है आजकल फैशन के मारे। लेकिन जब बैठा है ना भाई हमारा तो इस तरीके से मेरे मायके की तरफ को बरौठी बोलते हैं इसको, बरौठी की जाती है जो चौकी पे बिठा के दूल्हे को पंडित करते हैं। लेकिन पछाव में मतलब इधर गाजियाबाद साइड में ऐसी बरौठी नहीं होती, सिर्फ साली टीका करती है। मैं आपको साथ साथ दोनों रिवाज रीति रिवाज जो होते हैं वो बताती रहती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत कमेंट आते हैं दीदी आप अपने गाजियाबाद का मायके का दोनों का बताते हो। तो देखिए अच्छा है ना, आपको कन्फ्यूजन ना रहे, क्योंकि गाजियाबाद साइड के भी बहुत लोग देखते हैं। और हमारे यहाँ पर साली जो होती है वो कलश लेके खड़ी होती है, जिसको भैया ने अभी 500 रुपये नेक दिया है, यानी कि इससे जो बड़ी बहन थी वो मेरे मामा के लड़के के लिए है, मतलब मेरी भाभी लगती है वो भी। ये 4 बहनें हैं तो 2 मेरे ही रिलेशन में भाभी बन के आई हैं, एक मेरे मामा के लड़के की बहू, एक इस बुआ के लड़के के लिए शादी हो रखी है। बाकी यहाँ पे भैया वगैरह सब हमारे ही परिवार के मेंबर खड़े हुए हैं, क्योंकि बाराती तो इसी तरीके से वहाँ देखते हैं स्वागत जो होता है। उसके बाद पहुँच गए हैं माला के लिए। तो यहाँ पर माला का कुछ इस तरीके से स्टेज लगाया गया था, जो कमल के फूल वाला होता है जो खुलता है, तो आप लोग देखिएगा इसे, बहुत एंजॉय करोगे आप लोग। और यहाँ पे भाई मतलब धीरे धीरे चढ़ रहा है, लेकिन वीडियो वालों ने रोका है क्योंकि दुल्हन को भी लेकर के साथ जाना है। अब होगी दुल्हन की एंट्री। बारात गई थी गांव में तो घर में ही उन्होंने अपना अरेंजमेंट किया था, तो थोड़ा सा स्पेस कम है उस वजह से बहुत ज़्यादा दुल्हन की एंट्री मैं आपको दूर से नहीं दिखा सकती हूँ। लेकिन उसमें अंदर बंद हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तुझ तो ही तू है मेरा, तुझ तो ही तू है मेरा।
तो माला उस पे ऊपर स्टेज पे पड़ी थी, मतलब जो दूसरी लगाई गई थी, और उसके बाद यहाँ पे जो ये वाली स्टेज लगाई गई है, यहाँ बैठे हैं। अब यहाँ पे पूरे दोनों तरफ के परिवार जो होते हैं, जैसे बेटी वाले बेटा वाले दोनों सबके फ़ोटो शूट होंगे, उसके बाद में इन लोगों के खुद के फ़ोटो शूट होंगे यहाँ पे। तो तकरीबन यहाँ पे 2-2.5 घंटे लग जाते हैं स्टेज पे, उसके बाद में फिर जाएंगे दूल्हा दुल्हन खाना खाने के लिए। कुलदीप वगैरह रखा, हम समय से पकड़ बैठे, बताया कुलदीप को नवंबर में ही करिए, मैं इसको नहीं ले सकता। श्री केशाय गोविंदाय नमः। खाना वगैरह हो गया, उसके बाद यहाँ आ गए फेरों के लिए। तो यहाँ पे अभी पहले भाई बैठा, यानी कि दूल्हा ही बैठा हुआ है अभी। उसके बाद में पूजा वगैरह होती है, कुछ देर बाद में दुल्हन को बुलाया जाता है। तो फेरों की प्रक्रिया शुरू हो गई है, पता ही नहीं चलता पूरी रात कब निकल जाएगी। माला है, फिर खाना है, डांस है, फेरे हैं, टीका है, विदाई है, मतलब इसी तरीके से पूरा प्रोसीजर चलता रहता है। और यहाँ पे हम सब लोग बैठे हैं, ईशु वगैरह भी। और अब मैंने लहंगा यहाँ पर चेंज करके सूट पहन लिया है। सच्ची में लहंगा पहनने से ना 4 घंटे का जो सफ़र था, पता चली बहुत कहते हैं बैंड बज गई थी, काफ़ी दिक्कतें आई, लेकिन अब थोड़ा रिलैक्स फील किया क्योंकि अब सूट मैंने यहाँ पे पहन लिया था। उसके बाद में यहाँ पे देखो कन्यादान हो रहा है। ये है जो दुल्हने हैं हमारी भाभी, मतलब उसके भाभी भैया हैं, बड़ी भाभी हैं और भैया। और इनकी जो ये बड़ी भाभी है, मेरे मायके के पास की है, ज़्यादा दूर नहीं पड़ता, इसका मायका पास में है मेरे। तो यहाँ पे कन्यादान इन्होंने किया है, मतलब भैया भाभी ने। तो कन्यादान की जो रस्म होती है वो चल रही है यहाँ पर। थोड़ी देर नॉर्मल पूजा होने के बाद में पहले इस तरीके से कन्यादान की जो रस्म होती है वो होती थी। सुंदरम भादरविंद नेत्रा कृष्णात् परम किमपि तत्त्वहं न जाने यम प्रवजन्तमनुपेतमपेतकृत्यम् द्विपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतां तरवो अभिनेदु सर्वभूत हृदया मुनिमानतो अस्मि संजीवो कन्यावरः
कुशलम कन्यावरह नीलांबुज श्यामल कोमलांगल सीता समारोपित फाल्गुन मासे सुवे कृष्णे पक्षे शुद्धाम्मायाम् एकाद्वादशम्यायाम् थाम्मायाम् उपवासरानुतायाम् रघुवासरानुतायाम् रात्रिकालवेलायाम् शुभनक्षत्र शुभकर्णयोगे अमुक गोत्रोत्पन्नोऽहम् नीमिया डागुर्गोत्रोत्पन्नस्य अमुक नाम्नोऽहम् श्रीमान् जी धर्ममूर्ति धर्मावतार श्रीमान् मुंशी सिंगजी नाम्नस्य परपौत्र्यम् 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 मध्यामो गोत्रस्य नीमिया डागुर्गोत्रोत्पन्नोऽहम् अमुक नाम्नस्य श्रीमान् जी कन्हैया सिंगजी नाम्नस्य पौत्र्यम् 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 मध्यामो गोत्रस्य पौत्रस्य नीमिया डागुर्गोत्रोत्पन्नोऽहम् धर्ममूर्ति धर्मावतार श्रीमान् जी धर्मवीर सिंह जी पौत्र्य अपने हाथों को बीच में से खोल दीजिए ऐसे करके अंगूठा से लगाओ सावर कर दो और यहाँ पे हो रहा है गठबंधन की जो रस्म होती है वो है कन्यादान भी चल रहा है साथ साथ जो और घर के मेंबर होते हैं ना वो सब कन्यादान कर रहे हैं और यहाँ पे जो दूल्हा होता है उसके जो जीजा बहन होते हैं वो गठबंधन करते हैं जीजा करते हैं और बहन भी है तो मतलब दोनों ही साथ में कर रहे हैं वैसे तो सबसे ज़्यादा शुभ जीजा का होता है तो यहाँ पे बेबी और शिव दोनों गठबंधन कर रहे हैं उसके बाद में फेरे जो पड़ेंगे क्योंकि गठबंधन होता है तभी उसके बाद फेरे पड़ते हैं अभी तो यहाँ पे कन्यादान की जो रस्म है वो चल रही है थोड़ी देर पूजा पाठ जो मंत्र वगैरह बोले जाएंगे वो सब होंगे उसके बाद हम पड़ेंगे फेरे क्योंकि फेरों की जो वो रहती है प्रक्रिया आप लोगों को पता है जो फेरे पड़ते हैं ये दो तीन घंटे दो ढाई घंटे के आसपास मुझे लगता है रहता है तो यहाँ पे शुरू हो गए फेरे फेरों के बाद धीरे धीरे देखो पता ही नहीं चलता है लड़की कब पराई हो जाती है और ससुराल के पक्ष का ज़्यादा हक हो जाता है और माए के पक्ष का कम हो जाता है वैसे आजकल ऐसा कुछ नहीं है अब सब कुछ बराबर रहता है मायके में भी उतना ही रहता है बेटी का और ससुराल में भी उतना ही रहेगा पहले टाइम की ये अलग बातें थी कि मतलब फ़र्क पड़ जाता है कि पराई हो गई आजकल जब जब मन चाहता है तभी आ जाती है पहले टाइम में थोड़ा सा रहता था कि सबकी परमिशन रहेगी तभी बेटी मायके आएगी लेकिन आजकल तो जब मन करे तब चले जाओ।